अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 और 80 डिस्कस करेंगे। ये कॉमन डेटा इसमें दिया हुआ है और दो क्वेश्चन है। तो एक गियर बॉक्स है जिसके अंदर टू स्टेजेस हैं, दिस इज स्टेज वन एंड दिस इज स्टेज टू। सो ओवरऑल गियर रेशियो जो पूरे सिस्टम का दिया है वो है 12 और इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट आर कोलिनियर। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट आर कोलिनियर मतलब एक्सिस जो होगा दोनों का सेम होगा, बट दे आर द डिफरेंट शाफ्ट। Z1 इज 16 एंड Z3 इज 15। सो Z क्या है यहां पे, दिस इज द नंबर ऑफ टीथ। इस गियर पे 16 टीथ है, इस गियर पे 15 टीथ है। स्टेज वन का जो गियर रेशियो है वो है 4 एंड इस गियर का जो मॉड्यूल है वो 3 है और स्टेज टू का जो मॉड्यूल दिया है उसमें 4 दिया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 79 है इसमें क्या पूछा है, Z2 एंड Z4। सो गियर 2 और गियर 4 के लिए नंबर ऑफ टीथ मुझे फाइंड करना है। सो हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जो गियर रेशो 1 दिया हुआ है, गियर रेशो 1 ये क्या होगा, अब ये जो है दिस इज स्मॉलर गियर एंड दिस इज द लार्जर गियर। सो N1 अपॉन N2, दिस इज द स्पीड ऑफ गियर 1 एंड N2 इज द स्पीड ऑफ गियर 2 एंड दिस इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1। सो ये कितना दिया है, ये है 4 और Z2 मुझे फाइंड करना है, Z1 इज 16 तो Z2 मुझे कितना मिलेगा 64। तो Z2 यानी नंबर ऑफ टीथ फॉर द गियर 2 इज 64, ये मुझे मिल गया। अब मुझे Z4 फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई नो कि ओवरऑल गियर रेशो इज इक्वल टू गियर रेशो 1 इंटू गियर रेशो 2 मतलब स्टेज 1 का गियर रेशो इंटू स्टेज 2 का गियर रेशो। सो ओवरऑल है 12, गियर रेशो फॉर द स्टेज 1 इज 4, तो गियर रेशो फॉर द स्टेज 2 क्या हो जाएगा 12/4 विच इज 3। सो गियर रेशो फॉर द स्टेज 2 ये हो जाएगा N3 अपॉन N4 इज इक्वल टू Z4 अपॉन Z3। सो ये है 3 और Z4 मुझे फाइंड करना है, Z3 इज 15, सो यहां से Z4 मिलेगा मुझे 45। तो Z2 इज 64 एंड Z4 इज 45। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 64 एंड 45। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है 80 नंबर का, इसमें पूछा है सेंटर डिस्टेंस इन द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज ये है, तो सेकेंड स्टेज में सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस। ये डायग्राम देख के एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो सेंटर डिस्टेंस स्टेज 1 का होगा वही सेंटर डिस्टेंस स्टेज 2 का होगा। तो यहाँ पे मुझे पता है कि जो सेंटर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा दोनों का रेडियस मतलब R3 प्लस R4। सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर्स मतलब D3 प्लस D4। मुझे पता है कि मॉड्यूल इज इक्वल टू D/T, D इज द डायमीटर एंड T इज द नंबर ऑफ टीथ। अब यहां पे नंबर ऑफ टीथ को Z से डिनोट किया है तो मैं Z यूज करूंगा। सो डायमीटर क्या मिलेगा मुझे यहां पे, M × Z। सो यहां से मुझे मिल जाएगा हाफ ऑफ डी की जगह आई कैन राइट M × Z, M Z3 प्लस M Z4। एक ही स्टेज में जो भी गियर होते हैं उसके मॉड्यूल सेम होते हैं, इसीलिए इन दोनों गियर का जो मॉड्यूल है वो सेम होगा। सो M इज कॉमन, अंदर बचा Z3 और यहां पे Z4 इंटू M, M कॉमन आ गया, हाफ ऑफ Z3 एंड Z4, ये है 15 और ये है 45। सो ये हो जाएगा 60 और मॉड्यूल सेकेंड स्टेज के लिए 4 दिया है यहां पे। सो आंसर आ गया 120 mm, ये होगा सेंटर डिस्टेंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।